क्या आपके आधार कार्ड में नेम गलत है तो आप बहुत ही इजी तरीके से आप उसको करेक्शन करवा सकते हैं। कभी कभी होता है ये कि हम कहीं भी फॉर्म भरते हैं या कहीं एड्रेस प्रूफ के तौर पर या पासपोर्ट बनाने के लिए जो आधार कार्ड देते हैं तो वहाँ पे जो नेम जो है नाम गलत होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है और बोला जाता है कि भैया आप पहले नाम सुधरवा के आइए। तो अगर आप नाम सुधरवाने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पे आपको 60 से 100 रुपया लेता है। अभी नाम सुधारने का या कोई भी करेक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे आपको 60 से 100 रुपया ले लेता है और आपको देना पड़ता है, क्योंकि भैया आपको मजबूरी है, क्योंकि आधार के बिना आपको काम नहीं होगा। तो मैं आपको बहुत ही ईजी और आसान तरीका बताने वाला हूँ। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से आप अपने आधार कार्ड में कैसे नाम सुधार कर सकते हैं। तो ये सब देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे कैसे अपने आधार कार्ड में खुद से घर बैठे मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से कैसे आधार कार्ड में नाम को कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे करेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी कुछ आप सीख पाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपके आधार कार्ड में नाम गलत है और आप टेंशन में आ गए हैं कि कैसे सुधार होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सिंपली डालना है UIDAI। जैसे यहाँ पर देखिए UIDAI डाले हैं तो यहाँ पर देखिए UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट ये ओपन होकर आ चुका है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये है UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। नीचे आने के बाद अपने आधार कार्ड में नाम सुधार करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, अपडेट डेमोग्राफिक डाटा ऑनलाइन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में ये पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि प्रोसीड टू अपडेट आधार, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पे अपने आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा शो नहीं हो रहा होगा, कैप्चा को इस तरीके से यहाँ पे आप ला सकते हैं। तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आप जो है कैप्चा शो हो जाएगा। तो कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है, स्मॉल है तो स्मॉल है स्मॉल में डालना है, कैपिटल है तो कैपिटल में डालना है। यहाँ पर आधार नंबर कैप्चा डालने के बाद यहाँ सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है, वो आपके उसी नंबर पे आएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। ठीक है, तो मेरे केस में आ गया है, मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो आपके केस में जो भी आए आपको यहाँ पे डाल देना, क्योंकि ये 6 डिजिट का रहता है तो उसी हिसाब से यहाँ पे डालना है। यहाँ लॉगिन वाले का आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपडेट डेमोग्राफिक डाटा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से अपना नाम सुधार सकते हैं, तो यहाँ नेम वाले पर क्लिक कर देना है, यहाँ प्रोसीड वाले पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे आप नाम जो है लैब में 2 बार ही चेंज करा सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पे चेंज नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंसेंट देंगे, यहाँ प्रोसीड वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो भी नाम है यहाँ पर आ चुका है। अब अपना नाम जो चेंज कराना चाहते हैं, जो भी नया नाम रखना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर नाम डाल देना। ठीक है, तो सही डालना है, जो भी नाम चेंज कराना चाहते हैं वो आपको नाम यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे नाम डाल दिया हूँ, इस तरीके से यहाँ पे आपको नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, तो आप जो भी देना चाहते हैं आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे पासपोर्ट डालता हूँ, तो वहीं पासपोर्ट वाले पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पे क्या करना है, आपको पासपोर्ट जो है कॉपी आपको यहाँ PDF, JPG और यहाँ पे आपको PNG फाइल में अपलोड करना है, और फाइल जो होगा आपको यहाँ पे 2 MB
का होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा का फाइल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ तो यहाँ पे JPEG, PNG और PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा और जहाँ भी आपका रख रखे हैं आपको क्या करना है, वो फाइल को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कि आपका पासपोर्ट यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिए कि आप जो भी नाम डाले हैं वो आ चुका है और यहाँ पर आपका पासपोर्ट आ चुका है, ठीक है। ये कैप्चा है, कैप्चा जैसा है वैसा ही, स्मॉल में है तो स्मॉल में रखना है, कैपिटल में है तो कैपिटल में रखना है, नहीं तो यहाँ पे नहीं होगा। इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है, आपके उसी मोबाइल में फिर से एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। और OTP का जो टाइम होता है ना वो आपको 10 मिनट का वैलिड होता है, तो आपको 10 मिनट के अंदर अंदर में यहाँ पर आपको वो जो है OTP आया हुआ है वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो ध्यान रहे आपका उसी मोबाइल पे आएगा जो रजिस्टर है आधार कार्ड में। इसके बाद यहाँ पर कंसेंट देंगे, यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और जैसे पेमेंट गेटवे पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में ऑप्शन आ जाएगा कि आपको 50 रुपये का पेमेंट करना है, क्योंकि मैं पहले से कर रखा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि लिखा आ रहा है योर रिक्वेस्ट सम नॉट बी प्रोसीड राइट नाउ ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, बोला जा रहा है कि आप पहले से एक अप्लाई कर रखे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम देखने को आ रहा है। तो अगर आप नया कर रहे हैं तो आपके सामने में जैसे मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने 50 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा और आप जो है नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जैसे ही पेमेंट कर दीजिएगा तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके एड्रेस पे जो आधार कार्ड में एड्रेस है या जो भी प्रूफ दिए हैं उसी एड्रेस पे आपका जो है सुधार होके आपका ये आधार कार्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही सिंपल और आसान प्रोसेस है जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने आधार कार्ड में नेम करेक्शन करा सकते हैं। अब आपका इसका स्टेटस चेक करना है तो सिंपली यहाँ इसी वाले पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए कि चेक ऑनलाइन डेमोग्राफिक डेटा अपडेट स्टेटस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अपना आधार नंबर यहाँ डालेंगे, इसके बाद ये कैप्चा आपको रिफ्रेश कर देना है, कैप्चा यहाँ पर आ जाएगा और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP यहाँ पर डाल के यहाँ चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे, जैसे चेक स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो भी प्रोसेस है आपको यहाँ पे फिर से ओपन होके आ जाएगा और आपके फिर क्या होगा, आपके जो यू नंबर है आपका जो स्लिप दिया जाएगा उस पर आपको URN नंबर रहेगा, वो आपको URN नंबर डालना पड़ेगा और फिर से कैप्चा डाल के आपको सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपके आधार कार्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP डालने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका जो है स्टेटस शो कर देगा कि भैया आपका स्टेटस क्या है, जो अपडेट हुआ है या नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान प्रोसेस है अपने आधार कार्ड में नेम करेक्शन कराने का। तो गाइस ये बहुत ही आसान और सिंपल प्रोसेस है अपने आधार कार्ड में नेम करेक्शन कराने का, ये बहुत ही इजी तरीका है, ये कोई भी कर सकता है और आप भी घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से अपने आधार कार्ड में नाम कैसे सुधार कर सकते हैं, करेक्शन कैसे कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।